Hello everyone, welcome to Ravin tutorial. आज के लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे. हम इस टॉपिक के बारे में क्लियरली जानना चाहेंगे कि समांतर श्रेणी वास्तव में होता है क्या है, इसका पहला पद क्या होता है, इसका सार व अंतर क्या होता है, इसका एनवा पद कैसे निकाला जाता है, इसके एन पदों का योग कैसे निकाला जाता है आदि. तो इन सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि समांतर श्रेणी है क्या. समांतर श्रेणी को इंग्लिश में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और शॉर्टकट में इसे जनरली एपी यूज किया जाता है. ठीक है, तो एपी अब से जहां भी नहीं यूज हो रहा होगा उसका मतलब हम मान लेंगे समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो समांतर श्रेणी क्या है सबसे पहले ये देखते हैं. तो अगर कभी कोई पद ऐसे लिखे हुए हो जैसे 5, 11, 17, 23 etc. या 3, 1, -1, -3 etc. या 10, 20, 30, 40 etc. तो इन सब में क्या होगा कि देखो आप इन पदों को ध्यान से देखेंगे तो चार पद के बाद हम पांचवा पद आराम से बता सकते हैं कि 5 में 6 जोड़े तो 11 आए, 11 में 6 जोड़े तो 17 आए, 17 में 6 जोड़े तो 23 आए, तो 23 में 6 जोड़ेंगे तो 29 आएगा. इसी तरह यहां बता सकते हैं कि आगे 3 में से 2 गया तो 1 आया, 1 में से 2 गया तो -1 आया, फिर उसमें 2 और सबट्रैक्ट किया तो -3 आया, फिर अगला टर्म -5 आएगा, अगला टर्म -7 आएगा. सिमिलरली 10 के बाद 20 है, 10 ऐड किया, फिर 30, फिर 40, फिर ऐसे 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 70 आ जाएगा. मतलब हमें कुछ नंबर्स मिलने के बाद एक पैटर्न मिल रहा है जिससे हम इसके आगे वाले नंबर्स को प्राप्त कर सकते हैं. तो ये जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न क्या है कि इनमें दो कॉन्स्टेंट टर्म या दो ये जो कॉन्जिकेटिव टर्म्स है उनके जो डिफरेंस है ना वो सेम है. 5 और 11 दो कॉन्जिकेटिव टर्म्स है, इनका डिफरेंस 6 है, फिर 6 है. ठीक है, तो इस तरह की जो सीरीज बनती है, प्रोग्रेशन बनती है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं जिनमें दो कॉन्जिकेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, दो लगातार पदों का जो अंतर है वो सेम रहना चाहिए. तो जैसे 11 में से 5 गया तो 6 बचा, 17 में से 11 गया तो 6 बचा, 23 में से 17 गया तो 6 बचा. तो ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान बना रहता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं. ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या हो गया, क्रमागत पदों का अंतर समान है. अब इस समांतर श्रेणी का जो फर्स्ट टर्म है 5, इसको अपन नॉर्मली प्रथम पद कहते हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है तो बहुत सिंपल सी चीज है, 5 है, और इसे जनरली हम ए से डिनोट करते हैं. और मैंने समांतर श्रेणी की परिभाषा में बताया कि दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहता है. तो अगर हम 11-5 करें या 17-11 करें या 23-17 करें तो हर बार क्या आएगा, 6. तो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा 6 है और इस क्रमागत पदों के अंतर को बोला जाता है सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस. और इसको जनरली प्रदर्शित किया जाता है डी से. तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है और सार्व अंतर 6 है, डी 6 है. तो पहली तरह के क्वेश्चन समांतर श्रेणी में जो बनते हैं वो ये बनते हैं कि सबसे पहले तो आप पता लगाइए कि समांतर श्रेणी है या नहीं. अगर समांतर श्रेणी है तो इसका प्रथम पद और सार्व अंतर बताएं. फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको 5, 9, 13, 17, क्या ये समांतर श्रेणी है, अगर है तो इसका प्रथम पद और सार्व अंतर बताइए. तो प्रथम पद निकालने का तो बहुत सिंपल सा तरीका है, जो सबसे पहले लिखा है वही प्रथम पद होगा. अब हमें ये भी पता लगाना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं. तो समांतर श्रेणी तब होगी जब इनका डिफरेंस कॉमन आएगा. 9 में से 5 गया तो 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, तो हमेशा डिफरेंस 4 आ रहा है, मतलब ये समांतर श्रेणी भी है. अब कॉमन डिफरेंस क्या माना जाएगा, जो कॉन्स्टेंट डिफरेंस यानी 9-5 या 13-9, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4. तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये समांतर श्रेणी है, इसका पहला पद 5 है और इसका सार्व अंतर 4 है. इसी तरह से एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे ये होता 10, 7, 4... इसका अगर आपसे प्रथम पद पूछा जाए तो बहुत सिंपल है, ए है. इसका कॉमन डिफरेंस पूछा जाए तो 7 में से 10 गया तो -3, 4 में से 7 गया तो -3, आगे भी 1 आएगा.
तो 1 में से 4 जाएगा तो -3, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 7 -10 -3। कभी कभी स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि 10 में से 7 को सबट्रैक्ट कर देते हैं या 7 में से 4 को सबट्रैक्ट कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा बाद वाली टर्म में से पिछले वाली टर्म को सबट्रैक्ट घटाना है, सबट्रैक्ट करना है, तब जो मिलेगा ना वो कॉमन डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन का भी इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि आप 10 -7 लिखेंगे तब भी सब 3 आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं। अगर -3 है तो -3 ही होना चाहिए और +3 है तो +3 ही होना चाहिए। तो ये मेथड तो हो गया हमारा ये पता करने का कि कॉमन समांतर श्रेणी है या नहीं, और अगर है तो ए कैसे निकालते हैं और डी कैसे निकालते हैं। कभी कभी एक तरीका एक और चीज आ जाती है, ऐसे कह दिया जाता है कि किसी समांतर श्रेणी के एन पदों को इस फॉर्मूले से लिखा जाता है 2n+3। तो बताइए उस समांतर श्रेणी के पहले 4 पद बताइए, तो बहुत इजी होता है। तो हमने कह दिया कि कोई भी श्रेणी है उसके पहले किन्हीं भी पदों को ऐसे लिखा जाता है, तो बताओ पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। तो इजी मेथड है, पहला पद निकालना है मतलब n की जगह 1 पुट करना है, तो यहाँ भी n की जगह 1 पुट करेंगे, 2 × 1 = 2 हो गया, 2 + 3 = 5 हो गया। A2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 × 2 = 4 हो गया, +3 यानी कि 7 हो गया। फिर A3 निकालना है तो हम क्या करें, n की जगह 3 पुट करें, क्योंकि यहाँ भी तो n की जगह 3 पुट किया है, अगर LHS में n की जगह 3 पुट किया है तो RHS में भी n की जगह 3 पुट करना पड़ेगा, 2 × 3 = 6 और 3 = 9 हो जाएगा। और इसी तरह से A4 निकालना है तो 2 × 4 = 8 और 3 = 11 हो जाएगा। तो 5, 7, 9, 11 ये टर्म्स आ गए। हम चाहे तो और भी टर्म्स निकाल सकते हैं, पर हम देख भी सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी ही आ रही है, क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा 2 आ रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस डी 2 है और इसका फर्स्ट टर्म ए 5 है। ये 5 फर्स्ट टर्म है इस समांतर श्रेणी का, और कॉमन डिफरेंस क्या है, किन्हीं भी दो पदों को घटा दो, 9 में से 7 या तो 2, 11 में से 9 जाएगा तो भी 2 ही आएगा। तो इस तरह की श्रेणी समांतर श्रेणी का कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें एन दिया होता है, मतलब एक ए एन की वैल्यू दी हुई होती है और हमें जितने चाहे उतने टर्म्स निकालने होते हैं। खैर, हम समांतर श्रेणी में ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समांतर श्रेणी के एनवे पद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं समांतर श्रेणी का पहला पद, अब हम जान चुके हैं कि ए होगी, और हम ये मान लेते हैं कि मान लो ए प्रथम पद है किसी समांतर श्रेणी का और डी उसका सार्वंतर है, तो उस समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या हो, यानी कि जैसे हम 10वां पद निकालना चाहते हैं, 15वां पद निकालना चाहते हैं, तो क्या हो। पहले इसके बारे में देखते हैं कि जरूरत क्यों पड़ रही है। जैसे मान लो 5 है 7 है 9 है, अगर मुझसे कहा जाए कि समांतर श्रेणी का अगला पद बताइए यानी कि चौथा, तो मैं क्या कहूंगा, भाई 2-2 का डिफरेंस है ना, तो 11 हो जाएगा चौथा पद। मैं कहूँ कि छठा पद बताए तो मैं कहूंगा 11 और 2 = 13, 13 और 2 = 15, तो छठा पद 13 हो गया। लेकिन अगर सपोज मुझे ऐसे पूछा जाए कि इसका 100वां पद बताइए, तो ऐसे कैलकुलेट करने में तो बड़ी परेशानी है कि ना 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25। तो हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा जिससे कोई सा भी टर्म हम निकाल सके, तो उसी को हम कोशिश कर रहे हैं अब। तो पहला टर्म ए है, ये हमें क्लियर है। अब हमें पता है कि दो क्रमागत पदों का अंतर डी होता है, तो अगर ये ए है तो ये ए प्लस डी होगा। दूसरा पद, फर्स्ट टर्म आ गया ए, सेकेंड टर्म आ गया ए प्लस 1 × डी, थर्ड टर्म क्या आया ए प्लस 2 × डी, क्योंकि a प्लस डी में एक और डी एड कर देंगे तभी तो इनका दोनों का डिफरेंस d आएगा। ऐसे फोर्थ टर्म क्या आ गया a प्लस 3 डी। तो अब हम यहां से ऑब्जर्व करेंगे कि जब यहाँ पे 1 है ना तो इसमें 0 d एड किया, जब 2 था तो इसमें 2 से 1 कम यानी 1 d एड किया, जब यहाँ 3 था यानी थर्ड टर्म हमें देखने थी तीसरा पद तो हमें a में 2 d एड किया, और चौथा पद देखना था तो हमें a में 3 d एड किया। इस तरह से अगर हमें एनवा पद देखना हो तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ लिखा है उससे ए कम डी एड करना है ए में, तो एन से एक कम क्या होगा n-1 × d, मतलब किसी समांतर श्रेणी का जो एनवा पद है पी एन
उसको हम लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है समांतर श्रेणी को समझने के लिए। अगर ये फॉर्मूला आप ध्यान रख पाते हैं तो आप समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको समांतर श्रेणी का पहला पद, पदों की संख्या और सार्वअंतर पता हो। अब इसी फॉर्मूले को हम एनालाइज करते हैं। फॉर्मूला ही बन गया tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले में क्या है कि अगर हमें a पता है, ये पता है कि कौन सा पद निकालना है और समांतर श्रेणी का सार्वअंतर पता है, तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। कभी कभी हमें क्या होता है, पहला पद निकालना होता है और बाकी सारी वैल्यूज दी हुई होती है। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, a इज इक्वल टू टी एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी। और कभी कभी होते हैं कि हमें सार्वअंतर d निकालना होता है, तो इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं टी एन माइनस ए अपॉन एन माइनस वन। और अगर बाई चांस मुझे n निकालना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई जो n माइनस वन है ना, वो तो है टी एन माइनस ए अपॉन d। तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा टी एन माइनस ए अपॉन d प्लस वन, ये हो जाएगा, है ना। तो n माइनस वन की वैल्यू ये आ जाएगी, तो tn माइनस a अपॉन d निकाल के उसमें वन ऐड कर देंगे तो वो nth टर्म आ जाएगी, n की वो वैल्यू आ जाएगी जिस पर ये पद है। मतलब ऐसे पूछ लिया जाए कि मानता हो कि 50 इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, ठीक है। तो ये हमारे पास चार अलग अलग फॉर्मूले हो गए जिसका जो जनरेटर फॉर्मूला है वो यही है, ठीक है। अगर हमें ये पहला फॉर्मूला पता है तो बाकी फॉर्मूले को अपन डिराइव भी कर सकते हैं और बिना डिराइव किए डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। अब हम इन फॉर्मूले का थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा सा एक एक एग्जांपल से यूज देख लेते हैं। सपोज हमारे को इस तरह का क्वेश्चन मिल रहा है कि 3, 7 और 12 का 50वां पद ज्ञात करें। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई a का मान 3 है, d का मान है 7 माइनस सॉरी यहां पे 11 होगा, d का मान है 7 माइनस 3 मतलब 4, 11 माइनस 7 भी 4 हो जाएगा। तो a पता चल गया, p पता चल गया और हमें जो n निकालना है वो निकालना है 50वां पद, यानी t 50 निकालना है। तो t 50 का फॉर्मूला होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन प्लस 50 माइनस वन इंटू 4, तो 3 प्लस 49 इंटू 4 आएगा ना। अब 3 49 देखो 50 4 तो 200 होते पड़े, तो 49 इंटू 4 है तो 196 ही रह गया। तो इसका 50वां पद क्या आ जाएगा, 199। इसी तरह से क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि 3, 7, 11 का कौन सा पद 103 है मान लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन यही है लेकिन अब ये नहीं पूछा गया कि इसका 50वां पद क्या है, पूछा गया कि कौन सा पद 103 है। तो हमें पता है कि a का मान तो अभी भी 3 ही है, d का मान तो अभी भी 4 ही है, लेकिन tn का मान 103 है। अब हमें ये n निकालना है, तो n निकालने के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो कि जो भी था tn माइनस d अपॉन a प्लस 1, या फिर आप वो जो नॉर्मल हमारा फॉर्मूला है ना उसी को यूज करो। क्या tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यानी 103 इज इक्वल टू t प्लस n हमें निकालना है। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, तो इसको थोड़ा इधर उधर पक्षांतर कर ले, तो 103 में से 3 गया तो 100 बचेगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 4, ये 4 से 125 टाइम्स कट जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस समांतर श्रेणी का 26वां पद 103 है। लेकिन सपोज यही क्वेश्चन में कौन सा पद 104 है आता, जैसे कि एग्जांपल कर ही लेते हैं कि इसमें अगर ये आता कि इसका कौन सा पद 150 है, कौन सा पद 150 है, ऐसा अगर आ गया तो हम क्या करेंगे भाई, 150 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये 150 में से 3 गया तो 147 बराबर n माइनस 1 इंटू 4, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाता, 147 बटा 4। ये अपूर्णांक संख्या है,
क्योंकि 147 में 4 का भाग नहीं जाता, तो n बराबर भी क्या होगा, 147 बटा 4 प्लस 1, फिर से अपूर्णांक संख्या। अब हम जानते हैं कि n तो पदों की संख्या है, तो वो अपूर्णांक होगी कैसे, नहीं हो पाएगी। मतलब हम ये कहेंगे कि 3711 वाली श्रेणी का कोई सा भी पद 150 नहीं है, तो अगर सॉल्व करने पर n की वैल्यू एक अपूर्णांक वैल्यू आ जाती है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि इस श्रेणी का कोई सा भी पद 150 नहीं है। समांतर श्रेणी में ही एक और प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी श्रेणी के लिए प्रथम पद या किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद का मान दिया हुआ है a बराबर b 10, और ये कहा गया है कि 50वां पद मान लो 200 है, तो बताओ d क्या होगा। 50वां पद 200 दिया गया है, पहला पद 10 है, तो d क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो t n है ना, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, t n माइनस a अपॉन n माइनस 1। तो इस मेथड का अगर हम यूज कर लें तो d डायरेक्टली निकल जाएगा, तो d tn, tn यानी कि 50, तो 200 आ जाएगा, इनकी जगह 50 रख रहे हैं हम, a यानी कि 10 और n माइनस 1 यानी कि 49, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 50 है ना, अपने आप 50 पद हो गए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 190 अपॉन 49। तो कभी भी अगर समांतर श्रेणी में पहला पद और nवां पद दे रखा हो, तो सार्वत्र निकालने का बहुत इजी मेथड है। आप tn यानी कि nवे पद में से पहले पद को घटा दें और n माइनस 1 से डिवाइड कर दें, सिंपल फाइनल आंसर 190 अपॉन 49, ओके। और एक लास्ट तरह का क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है, लास्ट तो नहीं है और भी है, पर इस डायरेक्टली फॉर्मूला बेस में क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको पहला पद निकालना हो। पहला पद निकालना है तो देखिए tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d में, या आपको अगर निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। मतलब यदि AP में D बराबर 5 तथा TB बराबर माइनस 50 हो, तो A का मान ज्ञात करें, तो नॉर्मल सा मेथड है, A की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, TN माइनस N माइनस 1 इंटू D, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TN माइनस N माइनस 1 इंटू D, TN की वैल्यू दे रखी है हमें माइनस 50 और माइनस एन माइनस वन यानी एन 20 है ना, अपने आप 20 हो गया, तो 20 में से एक गया तो 19 और डी 5 है, हम जानते हैं 19 इंटू 5 95 हो गया और ये हो गया 145। तो फर्स्ट टर्म इसका माइनस 145 रहा होगा। अब इसमें एक और तरह का क्वेश्चन टीएन में कभी कभी पूछा जाता है, वो रिवर्स वाला क्वेश्चन है। कभी कभी कहा जाता है कि भाई एक समांतर श्रेणी है 10, 15, 20 और .. 200, तो बताओ इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या क्या है। तो कुल पदों की संख्या के लिए हम लास्ट पद को ध्यान देंगे, लास्ट पद को हम एल मान सकते हैं, और अगर मान लो टोटल एन पद हैं, तो इसका फॉर्मूला हमेशा यही होगा, लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एल की वैल्यू हमें पता है 200, हमें ये निकालना है, ए हमें पता है 10, n माइनस 1 हमें नहीं पता और d हमें पता है 5, क्योंकि 15 में से 10 गया तो 5 बच रहा है, तो 200 में से 10 गया तो 100 बराबर n माइनस 1 इंटू 5 आ जाएगा, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 190/5, तो 5 दिया 15, 4 5 हर 40, n इक्वल टू हो गया 39, यानी कि हम इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निकाल सकते हैं, बस हमें सार्वंतर पता होना चाहिए, प्रथम पद पता होना चाहिए और अंतिम पद पता होना चाहिए, तो पदों की संख्या निकल जाएगी। यहां तक तो ठीक है, पता चल गया कि समांतर श्रेणी में कुल मिला के 39 पद हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि समांतर श्रेणी का अंत से 10वां पद ज्ञात करें, या अंत से 15वां पद ज्ञात करें, या अंत से 20वां पद ज्ञात करें। तो फ्रंट से निकालना तो हमें आ गया स्टार्टिंग से, तो लेकिन एंडिंग से कैसे निकालते हैं, इसका बहुत शॉर्टकट सा मेथड है, एक अच्छी सी प्यारी सी ट्रिक है कि आप जस्ट इसको अंत से निकालना चाहते हो ना, तो समांतर श्रेणी को जस्ट उल्टा कर दो, यानी इसको ऐसा लिख दो, 10 15 20 लिखा हुआ है, इसकी जगह ऐसे लिख दो 220 15 10। अब हम श्रेणी का ए का मान 200 हो गया और डी का मान क्या हो गया, दो क्रमागत पदों का अंतर, तो 15 माइनस 20 माइनस 5 हो गया। अब आप जैसे इसमें कहा गया कि अंत से 12वां पद निकालो, तो आप इसमें शुरू से 12वां पद निकाल लें समांतर श्रेणी को उल्टा करके,
करने के बाद वही नियम लगा दे जो पहले लग रहे थे, तो शुरू से 12 पद क्या होगा, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 11 डी। अब a कितना हो गया नया, पहले 10 था लेकिन अब 200 हो गया, ध्यान रखना। और 11 डी की जगह पहले प्लस 5 था लेकिन अभी माइनस 5 हो गया, तो 200 में से 55 गया, 11 पंजे 55, तो ये कितना जाएगा 145। अगेन तो इसका अंत से जो 12वां पद आएगा ना वो 145 होगा। उसको निकालने का तरीका है कि समांतर श्रेणी को रिवर्स करके प्रारंभ से 12वां पद निकाल लें। तो इस वीडियो में हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टार्टिंग देखा, यानी कि इसका एनवाई व्यापक पद निकालने के बारे में देखा और उसके रिलेटेड थोड़े से एग्जांपल्स किए। इस थ्योरी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपके लिए ये यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए आपका ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।